बच्चों लोग आज से क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम हम किसको बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना। किसी भी सिस्टम का स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ वेरिएबल चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी बॉडी को डिफाइन करना है, तो उसका हमको यानी किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है तो क्या चाहिए उसका, मेरे को पोजीशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तीन से वैल्यू को लेके किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी उसके स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं हमको ह्यूमन बॉडी के स्टेट को डिफाइन करना है, तो ह्यूमन बॉडी के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम कुछ वेरिएबल डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, प्रेशर। ठीक है, इन सब के थ्रू हम लोग एक ह्यूमन बॉडी के स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं कि वो वेल है या फिर उसको बीमार है या उसमें प्रॉब्लम है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ वेरिएबल चाहिए होता है। ठीक है, जिसको बोला गया है स्टेट वेरिएबल। क्या बोला गया है, स्टेट वेरिएबल, जिससे हम सिस्टम का स्टेट बता सकते जिससे हम सिस्टम का स्टेट बता सकते हैं। ठीक है, उधर ना जो वेरिएबल होता है उसको दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। कुछ वेरिएबल को बोला गया है माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। जैसे मान ले कि कोई एटम है, एटम का कुछ वेलोसिटी हो सकता है, एटम का कुछ वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा वेरिएबल, तो अब एटम का जो वेलोसिटी है उसको हम मेजर कर पाएंगे क्या, नहीं। एटम हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसका अपना स्पीड हो सकता है। ठीक है, तो इस वेरिएबल को हम मेजर कर पाएंगे क्या, नहीं मेजर कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इससे बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, उसके वेरिएबल उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको जिसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है अपने लिए। ठीक है, कुछ वेरिएबल माइक्रोस्कोपिक होता है, तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स क्या होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान देना। तो एग्जाम्पल क्या लिया है, जैसे मान लेते हैं माइक्रोस्कोप, हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल में, तो उसमें एग्जाम्पल क्या लिया हुआ आपके लिए, तो लिया हुआ है प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो किसी भी गैस, गैस रहेगा मान लेते हैं, तो किसी भी गैस का हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वेरिएबल जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ठीक, अब ध्यान दोगे, आपका जो इक्विलिब्रियम होता है, आपका जो इक्विलिब्रियम होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। इक्विलिब्रियम को बोला गया है, उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी दूसरा उसका क्लासिफिकेशन है, उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक को बोला गया है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक और डायनेमिक का जो डिफरेंस समझोगे, तो यहाँ ना तो स्टैटिक में क्या बोला गया है कि टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पे, तो ध्यान देना, तो स्टैटिक में क्या बोला गया है कि टाइम के साथ यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नो चेंज ऑकर इन माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। टाइम के साथ कोई चेंज ऑकर नहीं करेगा कहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में। ठीक है, यानी माइक्रो मैक्रो कोई वेरिएबल चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ। इसका बेसिकली जितना भी फीस पढ़ते हो, तो फीस में जितना भी आप इक्विलिब्रियम स्टडी करते हो, आप लोग पढ़ते हो ना फिजिक्स टिल रोटेशन तक, तो आप लोग पढ़ते हो रिजिड बॉडी के बारे में, तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में जितना भी चीज़ें पढ़ते हो वो सारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाइक करता है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का जो इक्विलिब्रियम स्टडी करते हो वो सारा लाइक करेगा कहाँ पर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम लाइक करता है। ठीक है, आप लोग कंडीशन क्या अप्लाई करते हो, तो बोलते हो कि फोर्स नेट जीरो है एंड टॉर्क नेट जीरो है। ठीक है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, उसके उसमें बोलते हो कि आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में आ चुका है, बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ठीक है, तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो ध्यान देना ये बॉडी जो इक्विलिब्रियम में आ रहा है इसमें क्या होगा, ये जो भी बोला गया है, तो
आप बोलते हो कि यहाँ जो इक्विलिब्रियम आप अचीव करो उसको बोला गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोला गया है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या ध्यान देना, इसमें आपका माइक्रो मैक्रो दोनों वेरिएबल क्या होगा, दोनों वेरिएबल आपका, दोनों वेरिएबल में टाइम के साथ कोई चेंज ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, आपके दोनों वेरिएबल में टाइम के साथ नो चेंज ऑकर, कोई चेंज ऑकर नहीं करेगा। ठीक, तो आपको सिंपल फिर से बोलते रहे कि फिजिक्स में जो भी आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हो सारा लाई करेगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, सारा लाई करेगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब ध्यान ना, अगला पॉइंट होता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम ध्यान दोगे आप लोग, डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम नो चेंज ऑकर इन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, यानी जिस वेरिएबल को हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा। जिस वेरिएबल को आप मेजर कर सकते हो यानी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। ठीक है, बट आपके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल, आपके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल में चेंज हो सकता है, बट आपके, ठीक है, बट आपके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल में चेंज हो सकता है। ठीक, माइक्रोस्कोपिक, कुछ लोगों का डाउट ये है कि माइक्रो मैक्रो को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सिंपल सा चीज है, जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हो उसको बोलो मैक्रो बोलोगे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है माइक्रो मैक्रो डिफाइन कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल जो होता है कैन बी मेजर्ड, ठीक है, और ऑब्जर्व, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ना, गैसीय सिस्टम को बात करते हैं, किसी भी गैस में आप क्या पता कर सकते हो, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। मान लेते हैं सिस्टम किसी गैस का हम लेते हैं, तो गैसीय सिस्टम में बहुत सा प्रॉपर्टी होगा, गैसीय सिस्टम बहुत सा वेरिएबल होने वाला है। गैसेस का मान लो कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, इसको आप मेजर कर सकते हो। तो गैसेस का जो पीवीटी रहेगा इसको आप रख सकते हो मैक्रो वाले में। ठीक है, इसके अलावा गैस का पार्टिकल्स बहुत सारे इसमें होगा, तो हर गैस का पार्टिकल का अपना स्पीड होगा, तो हर गैस के पार्टिकल स्पीड को आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं पार्टिकल का अपना कुछ स्पीड है। ठीक है, तो हर पार्टिकल का अपना स्पीड होगा, इसको यू से हम बता रहे हैं, तो यू को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ऐसा वेरिएबल यानी हर पार्टिकल का अपना स्पीड होगा, अपना एक मोमेंटम होगा, अपना एक वेलोसिटी होगा, उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो ऐसा वेरिएबल को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल, जिसको आप मेजर नहीं कर पाओगे या जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, जिसको देख नहीं सकते हो। ठीक है, होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, यानी हम लोग का इंस्ट्रूमेंट यानी जो हमारे पास डिवाइसेस है उतना अच्छा अभी तक बिल्ड हम नहीं कर पाए कि उसको हम ऑब्जर्व कर सके या उसको हम मेजर कर सके। ठीक है, जिसको बोला गया है माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। ठीक है, अब ध्यान देना, तो डायनेमिक समझ में आ गया। अब होता है क्या है कि जो केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे यानी जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं, केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम होता है डायनेमिक इन नेचर। क्या होता है? डायनेमिक इन नेचर, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जितना भी इक्विलिब्रियम होगा उसको आप डायनेमिक बोल सकते हो, ठीक। ठीक है, तो पहले चलते हैं। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हुआ। डायनेमिक को समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपको डायनेमिक समझना है तो ध्यान देना। देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल एक ऑप्शन बताता हूं आपको।
मान लो कि बॉडी है, मान लो कि रिजिड बॉडी है पूरा, तो दिस इज रिजिड बॉडी, तो इस रिजिड बॉडी पे अगर आप फोर्स और टॉर्क जीरो हो जाएगा, यानी एफ जीरो है नेट, टॉर्क नेट जीरो है, तो क्या बोला बॉडी कूलम पे है, तो बॉडी कूलम पे है, तो बॉडी का सारा पार्टिकल कूलम पे है, मतलब इसमें बॉडी बॉडी बना हो पार्टिकल से बना होगा, तो बॉडी का पार्टिकल्स का हर जगह यानी हर पार्टिकल स्टैटिक है, यानी ओवरऑल बॉडी भी रुका हुआ है और बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स वो भी रुका हुआ है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल के बीच में मोशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम नहीं होगा या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर बॉडी स्टैटिक है तो दो पॉइंट अगर वन टू एज्यूम करें बॉडी के ऊपर हम, तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी क्या होगा बॉडी ओवरऑल भी जीरो है, बॉडी का मोशन कुछ नहीं है, स्टैटिक है, और बॉडी के जिस जिस पार्टिकल से बना हुआ है वो भी क्या है, वो भी स्टैटिक है, तो ये होगा आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो जितना भी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ते हो फिजिक्स में सारा इसमें इस क्रम लाइक करता है, ठीक है। डायनेमिक एग्जांपल को बताते हैं, मान लो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, डायनेमिक का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल देख, एक टैंक है, इस टैंक में पानी डालो, ठीक है, तो टैंक में पानी डाला हुआ है और पानी का ये लेवल, इतना पानी का लेवल आपको दिख रहा है टैंक में, ठीक। इसके ऊपर से क्या करो, यहाँ यहाँ से एक कर्टन डाल दो, मतलब इसके ऊपर का चीज आपको दिख नहीं रहा है, एक कर्टन डाला हुआ है पूरा, और उसके नीचे भी कर्टन डाला हुआ है, मतलब नीचे भी आपको आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या करो, ऊपर में कर्टन के पीछे एक एक पानी का फ्लो डाल दो, ठीक है, यानी ऊपर से पानी इसमें गिर रहा है जो हमको दिख नहीं रहा, बट पानी का फ्लो आ रहा है, और जिस फ्लो से पानी ऊपर डालोगे उतना ही फ्लो से नीचे में छेद कर दो, उतना ही रेट से पानी नीचे से गिरने लगेगा, ठीक है। तो अगर कर्टन के पीछे क्या हो रहा है हमको नहीं पता रहेगा, तो हमको हमेशा पानी के लेवल से दिखेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि पानी के लेवल से हमें, यानी पानी यानी यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम दिख रहा है मेरे को। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ मेरे को कोई चेंज नहीं दिखना, तो हमको इस पानी के लेवल में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी पानी के लेवल हमको बना हमको दिखेगा कि पानी के लेवल स्टैटिक है, यानी हम बोलेंगे ये जो सिस्टम है ये टाइम के साथ इक्विलिब्रियम में है, टाइम के साथ इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है। बट इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि पानी का फ्लो ऊपर से आ रहा है, नीचे से बाहर निकल रहा है, तो इसके अंदर का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल स्टैटिक नहीं है, ठीक है। ऊपर में क्या पार्टिकल्स, नया पार्टिकल्स आ रहा है और नीचे से पुराना पार्टिकल बाहर जा रहा है, यानी अंदर में सिस्टम ओवरऑल आपको स्टडी दिख रहा है पर अंदर में पार्टिकल्स में फ्लो हो रहा है, यानी ऊपर में देखोगे तो पार्टिकल्स का फ्लो क्या है, नीचे की तरफ आपको दिखेगा, यानी इसमें हर पार्टिकल्स में एक मोशन है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यानी ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, सिस्टम का पार्टिकल्स नया पार्टिकल से रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे आपका माइक्रो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, पार्टिकल मूवमेंट है, बट ओवरऑल क्या है, बड़े स्केल पे यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके सिस्टम में कोई चीज आपको नहीं दिखेगा। किस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको मोशन को देखना हो तो आप क्या करना, ऊपर वाले पानी का जो फ्लो है उसमें एक इंक का ड्रॉप डालना, वाटर का मतलब कोई भी इंक, किसी भी कलर का इंक डाल देना, तो इंक का जो पैटर्न दिखेगा आपको, पानी ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे इस सिस्टम को इंक का पैटर्न दिखेगा कि ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, तो इस तरह का इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनेमिक, यानी जिसको ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको मेजर कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जिसको आप ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर सकते उसमें चेंज आपको दिखेगा, उसमें आपको चेंज दिखेगा, ठीक। तो ये रहा आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। अब ध्यान दोगे तो आपको स्टैटिक और डायनेमिक क्लियर हो चुका है। इसके अलावा ध्यान दोगे इक्विलिब्रियम को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, तो इसको फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस है, उसका बेसिस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको तीन पार्ट में बांटा गया है, क्या क्या बांटा गया जी, तो पहला बोला गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोला गया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर बोला गया है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल न्यूट्रल, और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको पहले समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले उसको वन बाय वन लोग खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, तो यहाँ पे आपके आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस तरह का कोई इस तरह के वेसल में एक बॉल रख देंगे। तो आपको पता है कि बॉल कहाँ पे आकर रुकेगा, तो आपको पता है कि बॉल यहाँ पे आकर रुकने वाला है, इस पॉइंट पे आकर रुकने वाला बॉल, ठीक। अब ध्यान देना, यानी ये जो बॉल जिस पॉइंट पे रुक रहा है उसको हम बोलेंगे ये मेरा कैसा पॉइंट है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या है? ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई क्या करेगा, बॉल को उठा के फिर से यहाँ रख देगा, बॉल को उठा के फिर से यहाँ रख देगा, मतलब यहाँ रख दिया बॉल को, तो फिर से बॉल वापस आएगा और कहाँ के रुकेगा, उसी पॉइंट पर रुकेगा। को बोलेगा नहीं, हम बॉल को यहाँ उठा के यहाँ रख देंगे, रख दो, तो बॉल वापस आएगा वहीं पर रुकेगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो अगर अगर आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में आ चुका है, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ चुका है, उसको तुम डिस्टर्ब करोगे तो बॉडी को मान लो उठा के तुम ऊपर रख दिए, ठीक है, या आपको बॉल को उठा के कहीं और रख दिए, उस केस में क्या होगा, बॉडी दोबारा आके रुकेगा और उसी पॉइंट पर रुकेगा जहाँ पहले रुका हुआ था। यानी आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो चेंज नहीं होता है। आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है डू नॉट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी आपके टाइम के साथ आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता क्या है, बॉडी रुका हुआ है, बॉडी स्टैटिक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आप सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे तो सिस्टम को डिस्टर्ब करना मतलब क्या है, आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम में आएगा सेम पॉइंट पे। यानी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आप बॉडी को डिस्टर्ब करोगे तब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं रहेगा, यानी सिस्टम उसी पॉइंट पे दोबारा जाएगा और फिर से इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वही चीज नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, देन इक्विलिब्रियम विल अगेन अटेन इक्विलिब्रियम एट सेम पॉइंट। यानी बॉडी इक्विलिब्रियम सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम से, सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा सेम पॉइंट पे। कहाँ पे? सेम पॉइंट पे, ठीक है। और ध्यान ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट होता है ना, यानी जिस पॉइंट का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम अपने मोस्ट स्टेबल पोजिशन में होता है, सिस्टम का मोस्ट स्टेबल पोजिशन है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा किसी भी सिस्टम का सबसे कम होगा। तो पॉइंट ऑफ क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी होता है। यानी सिस्टम अपने मिनिमम एनर्जी में इस पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि सिस्टम का सबसे मिनिमम एनर्जी किस पॉइंट पे होगा, तो बोलोगे एट पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम सिस्टम अपने मिनिमम एनर्जी वाले पॉइंट पे होता है, ठीक। ठीक है, ये हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन। अगला अपना क्लासिफिकेशन है इक्विलिब्रियम का, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, ठीक है, और यहाँ पे बॉल रख दिए हो, तो बॉल यहाँ पे रुक जाएगा, बॉल में कोई मोशन नहीं होगा। यानी जो ये पॉइंट नंबर वन है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो चुका है, और कोई आके इसमें अगर हल्का सा पुश करेगा इसको, यानी पॉइंट वन एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे इसको पुश करके कुछ फोर्स लगाएगा, यानी ये फोर्स इसको पुश कर देगा, तो होगा क्या, ये बॉल मूव करेगा, और बॉल दोबारा आगे रुकेगा, बॉल फिर रुकेगा। अगर आपका लेवल अगर हॉरिजॉन्टल है तो पुश करो तो क्या होगा, बॉल आपका दोबारा आके रुकेगा। लेकिन जब दोबारा आके रुकेगा तो पॉइंट कुछ अलग होगा, यानी बॉल यहाँ मान लें कि इस पॉइंट पे आगे, तो अगर बॉल इस पॉइंट पे आके रुक रहा है मान लेते हैं, ठीक है,
यानी अब जो क्रम पॉइंट है पॉइंट नंबर टू होगा, ठीक है। तो फोर्स लगाने के बाद बॉल आपका दोबारा रुकेगा पॉइंट वन से पॉइंट टू में, पॉइंट वन से पॉइंट टू में, तो बॉल जो दोबारा रुक रहा है, ठीक है, बॉल दोबारा रुक रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था बॉडी, यानी पॉइंट वन पे था, आप उसको डिस्टर्ब कर दिए, तो बॉडी दोबारा इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, बॉडी दोबारा इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, बट इस बार जो जिस पॉइंट पे अचीव करेगा पॉइंट डिफरेंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आप किसी बॉडी जो इक्विलिब्रियम में है उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो बॉडी दोबारा इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, बट एट सम डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, यानी सेम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं रहेगा, ये ध्यान देना। ये था एग्जाम्पल न्यूट्रल का, ये था एग्जाम्पल न्यूट्रल का, ठीक। तो उसमें देखो लिखा क्या हुआ है, तो अगर आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, देन इट विल अगेन अटेन इक्विलिब्रियम बट एट डिफरेंट पॉइंट, जो कि हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो अपना लास्ट क्लासिफिकेशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं हम लोग, तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे इस तरह का शेप बना हुआ है, इस तरह का शेप बना हुआ सोच ले, ठीक है। और ये जो शेप है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड हो सकता है, मतलब रुक नहीं रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड किसम कर सकते हैं, ठीक। और इसके वर्टेक्स के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है जिसका जिसमें फोर्स बैलेंस अभी के लिए, यानी इसका जो नॉर्मल है और इसका जो एम जी है आपस में बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और ठीक, तो नॉर्मल एम जी का फोर्स बैलेंस है और दोनों का टॉर्क भी बैलेंस है, ऐसा रखा गया है, ठीक है। तो बॉडी स्टैटिक है, बॉडी रुका हुआ है, यानी हम पूछ सकते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट नंबर वन, तो बॉडी पॉइंट नंबर वन पे आपका इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अटेन किया हुआ है। अगर मान ले कि इस बॉल को हल्का सा पुश कर दो, आप हल्का सा पुश कर दो, तो इसको मान लेते हैं कोई हल्का सा धक्का मार दिया, ठीक है, तो हल्का सा कोई पुश करेगा इसको, तो बॉडी बॉल मान लेते हैं इधर इधर खींच सक गया, अगर तो बॉल अगर इधर आ चुका है अब, अगर तो ये बॉडी दोबारा रुकेगा क्या, नहीं, ये नीचे गिरता चलाएगा, और नीचे गिरेगा तो इसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा, यानी नीचे गिरेगा विद इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। और अगर ये जो स्लोप हम ड्रॉ किए हुए हैं, स्लोप अगर टिल इन्फिनिटी तक है तो ये चलता चला जाएगा, यानी पॉइंट है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अगर बॉडी आपका डिस्टर्ब होता है, यानी इसको डिस्टर्ब करोगे तो बॉडी दोबारा इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करता है, ना ही वापस आएगा, ना ही बैक आएगा, और ना ही दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करेगा, ठीक है। यानी आपका अनस्टेबल पॉइंट पे दोबारा कभी वापस नहीं आने वाला, वो एक बार चला गया तो चला गया, ठीक। तो ध्यान देना वही लिखा हुआ है कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दोगे, कब, कौन से इक्विलिब्रियम को, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को, तो अगर आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा देन इट विल नेवर अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट सेम पॉइंट, यानी अनस्टेबल पॉइंट जो जहां पे पहले था वहां पे वापस आके कभी इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, ठीक। तो आपको जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, यानी यहाँ इस पॉइंट पे आपके सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये था आपका इक्विलिब्रियम का क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बोला क्या गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होगा स्टेबल इन नेचर होगा, यानी स्टेबल होगा एंड डायनेमिक होगा, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होता है, तो आप बोलोगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एंड डायनेमिक इन नेचर, ठीक है, प्रोवाइडेड
प्रोवाइडेड टी इज कॉन्स्टेंट, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। तो अगर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो केमिकल क्रम क्या होता है, स्टेबल होगा और क्या होगा, डायनमिक इन नेचर होगा। तो केमिकल क्रम का टाइप क्या होगा, स्टेबल होगा एंड डायनमिक इन नेचर होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, प्रोवाइडेड टी इज कॉन्स्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो इसके इसमें ऐसा होगा, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इसका नेचर हो जाएगा न्यूट्रल एंड डायनेमिक, एंड डायनेमिक। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला पॉइंट होता है कि फिजिक्स में आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। फिजिक्स में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट एक फिजिकल पॉइंट होता है। ठीक है, फिजिक्स जब भी पढ़ते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप देख सकते हो, उसको विजुलाइज कर सकते हो। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कर पाओगे। तो केमिस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो फिजिकल पॉइंट नहीं होता, मैथमेटिकल पॉइंट होता है। क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे, मैथमेटिकल पॉइंट कैसा होता है आगे आपको समझाने वाले हैं। ठीक, तभी के लिए बस सुन लेना इसी को कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है वो एक मैथमेटिकल पॉइंट है, एक मैथमेटिकल पॉइंट है। ठीक है, यानी एक रेशियो होता है, एक रेशियो होता है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, यानी इसका कोई फिजिकल मतलब नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी जिसको हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम एक मैथमेटिकल पॉइंट होता है, यानी एक रेशियो होता है, इसका कोई फिजिकल पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। तो दिस इट इज नॉट फिजिकल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ना केमिकल, अगर मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करना होगा तो उसके लिए, उसको समझने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल लेके हम स्टडी करने की कोशिश किए हैं। ठीक, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस इन अ क्लोज वेसल। ठीक है, हमको केमिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम उसे समझेंगे थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस इन अ क्लोज वेसल। ठीक, तो यहाँ पे तीन सिस्टम दिया हुआ है, तीनों का साइज सेम है, तीनों के इसमें ध्यान देना, तीनों वेसल का साइज सेम है। ठीक, और तीनों में हम वाटर का, तीनों का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट माना गया है, यानी पूरे स्टडी में क्या बोला गया है कि जो टेम्परेचर यहाँ है वही टेम्परेचर यहाँ है, वही टेम्परेचर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टडी होगा वो होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन प्रोसेस को स्टडी करने वाले हैं, उस प्रोसेस में क्या होगा, अपना टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि आपके तीनों वेसल में वाटर का सेम अमाउंट को डाला गया है। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं कि वाटर का हमारे पास 1000 पार्टिकल्स है, तो आपके तीनों वेसल्स में वाटर का 1000 पार्टिकल को डाला गया है। ठीक, टाइम जीरो पे। ठीक है, तो ध्यान ना, जो पहला वेसल है यानी इसको बोलते हैं वेसल नंबर वन, तो वन हो गया अपने लिए, ये टू हो गया और ये थ्री हो गया। ठीक है, तो वन टू थ्री, अब ध्यान ना, इस वन टू थ्री में हम क्या कर रहे हैं कि जो पहले वेसल उसमें वाटर लिक्विड डाल रहे हैं, यानी जो 1000 पार्टिकल्स वाटर का लिक्विड सेट में है। सेकंड वाले केस में क्या किए हैं कि हम 500 डाले हैं वेपर, 500 डाले हैं वेपर और 500 डाले हैं लिक्विड फेज का, यानी आधा आधा वेपर सेट में है और आधा लिक्विड सेट में है। लास्ट वाले केस में हम डालें कि सारा वाटर का सेट वेपर सेट में है, ऑल आर इन वेपर सेट। ठीक है, तो सिचुएशन क्या हुआ ध्यान देना, जो फर्स्ट केस है उसमें टाइम जीरो पे क्या है, टाइम जीरो पे सारा पार्टिकल्स किस स्टेट में है, तो टाइम जीरो पे सारा पार्टिकल स्टेट क्या लिक्विड है। तो इसमें क्या होता है कि सारा अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो यहाँ पे लिक्विड से वेपर फेज में पार्टिकल्स मूव करने की कोशिश करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन। तो टाइम जीरो पे यहाँ पे सिर्फ इवेपोरेशन होगा, टाइम जीरो पे ओनली होगा इवेपोरेशन, और पार्टिकल जो होगा, पार्टिकल लिक्विड फेज से कहाँ जाएगा, मूव करना चाहता है टुवर्ड्स वेपर फेज। ठीक है, और वही कह देते हैं सेकंड वाले केस में आपका वाटर लिक्विड में भी है और वाटर वेपर में भी है, तो लिक्विड से कुछ पार्टिकल लिक्विड से वेपर में जाएगा और कुछ पार्टिकल वापस आएगा
ठीक है, यानी अल्टीमेटली क्या हो, लिक्विड से वेपर में जा रहा, कुछ पार्टिकल पार्टिकल वापस आ रहा है। और थर्ड केस देते हैं, थर्ड केस में क्या होगा, क्योंकि सारा का सारा गैस स्टेट में है, तो अब गैस से लिक्विड में आने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी सारा पार्टिकल क्या होगा, गैस से लिक्विड में आने के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ओनली कंडेंसेशन, थर्ड केस में होगा ओनली कंडेंसेशन, पहले वाले केस में होगा ओनली इवेपोरेशन। कब, टाइम जीरो पे, यानी बिगिनिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो ध्यान ना, अगर आप सब अगर बोला जाए तो यहाँ पे टाइम जीरो पे रेट ऑफ कंडेंसेशन, आरसी मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो होगा। ठीक है, अब ध्यान ना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे टाइम टी वन हुआ, टाइम टी टू हुआ मान लेते हैं, तो जैसे जैसे टाइम आगे आएगा, तो जब टाइम आगे आएगा तो क्या होगा, फर्स्ट वाले केस का हम बात करें तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब पार्टिकल्स ऊपर मूव करेगा, यानी जब पार्टिकल लिक्विड से गैस में मूव करेगा, तो गैस में ही पार्टिकल पार्टिकल क्या होगा, बिल्ड होना स्टार्ट होगा। तो गैस का जो पार्टिकल बिल्ड होगा वो वापस कहाँ आना चाहेगा, वापस लिक्विड में आना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर वो दिखा हुआ एरो बना के, कि जो डाउनवर्ड एरो है वो बता रहा है कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी भी क्या है, इवेपोरेशन ज़्यादा है, कंडेंसेशन कम है। तो यहाँ भी ऐसा लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक, जैसे टाइम आगे बीतेगा तो क्या होगा, आपका इवेपोरेशन घटेगा, कंडेंसेशन इंक्रीज करता है। तो धीरे धीरे देखोगे कि टाइम एक ऐसा आएगा जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, उसके बाद आपको फर्दर कोई चीज नहीं दिखेगा सिस्टम में। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है, बराबर हो जाता है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब अचीव हुआ, टाइम ज़ूम करते हैं, अगर मैं ज़ूम करते हैं कि टाइम टी थ्री पे अचीव हो रहा है, तो टाइम टी थ्री पे हो क्या रहा है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है, आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है। टाइम टी थ्री के बाद टी फोर पे देखो तो सेम चीज़ है कि आपका इवेपोरेशन कंडेंसेशन बराबर हो चुका है। यानी इस पॉइंट के बाद देखो, बिगिनिंग में किसका रेट ज़्यादा था, तो बिगिनिंग में रेट ज़्यादा था इवेपोरेशन का, तो पानी का जो लिक्विड कंटेंट है वो डिक्रीज कर रहा था और गैस में कंटेंट बढ़ रहा था। जैसे आगे बढ़ोगे, जिस पॉइंट पे इवेपोरेशन कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, तो जितना लिक्विड का पार्टिकल गैस में जाएगा, उतना ही क्या होगा, वापस गैस से पार्टिकल लिक्विड में आएगा। तो दोनों का रेट क्या होगा, ऊपर जाने का और नीचे आने का बराबर हो चुका है। तो पानी के लेवल में कोई, आपके वाटर के लेवल में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका सिस्टम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर चुका है, आपका सिस्टम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर चुका है। ठीक है, तो इसी ध्यान देना। तो अगर कुछ कॉमन किसी को प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट को में अगर मान लेते हैं कि कंडेंसेशन बढ़ रहा है, तो ऐसा कोई पॉइंट आएगा जब कंडेंसेशन इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शुरू में कंडेंसेशन जीरो था और इवेपोरेशन ज़्यादा था, तो इवेपोरेशन घटेगा, कंडेंसेशन बढ़ेगा, और कब आके दोनों बैलेंस करेगा, तो इस पॉइंट पर आकर बैलेंस करेगा। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर, अगर आपका सिस्टम क्लोज होगा, यानी आपका वेसल क्लोज होगा, ठीक है, अगर वेसल क्लोज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो ऐसा इस पॉइंट पर आकर सिस्टम यहाँ पे अचीव करके इसमें फर्दर चेंज नहीं होगा। यानी एक क्लोज वेसल में और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो कंडेंसेशन का जो रेट है और इवेपोरेशन को इस केस में क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी हो क्या रहा है कि आपका इवेपोरेशन प्रोसेस घट रहा है और कंडेंसेशन बढ़ रहा है, अल्टीमेटली दोनों के इक्वलाइज कर रहा है, अपने अल्टीमेटली दोनों के इक्वलाइज कर रहा है। ठीक है, और जब दोनों इक्वल हो जाएगा, उसको बोलते हैं कि ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक, अब ध्यान देंगे जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या किए थे हम लोग, तो इसमें वेपर और लिक्विड दोनों डाले थे हम लोग। ठीक है, इसमें वेपर और लिक्विड दोनों डाले थे, तो पॉइंट, तो टाइम जीरो पे भी क्या है, कुछ पार्ट कंडेंस कर रहा था, कुछ पार्ट इवेपोरेट कर रहा था, तो अल्टीमेटली क्या है कि कंडेंसेशन का रेट बढ़ेगा और इवेपोरेशन घटेगा, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अचीव कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर लेगा। अगर मान लेते हैं कि प्योरली आप सिर्फ गैस डालो, यानी लिक्विड डालो ही मत सिस्टम में, तो क्या होगा, शुरू में सिर्फ कंडेंसेशन होगा, अधिक जब लिक्विड बनेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, लिक्विड का पार्टिकल इवेपोरेट करेगा, तो बाद में क्या होगा, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों साथ साथ होगा, कंडेंसेशन यानी इवेपोरेशन दोनों साथ साथ होगा। और धीरे धीरे क्या होगा, फिर से क्या होगा, इस केस में कंडेंसेशन का रेट घटेगा और इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों एक कॉमन पॉइंट पर आके इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान देना, अगर आप लॉजिकली देखोगे ना, आप लॉजिकली देखो तो एक देखो यहाँ पे एक एरो ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। एंड जो ऊपर ये ऑपरेशन पहले वाले किसने हुआ, यहाँ पे एरो है, देखो एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। तो देखो हर जगह डॉट लाइन लिखा हुआ, मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और सिस्टम में तुम सब कुछ सेम डालोगे तो आपका सिस्टम सेम पॉइंट पे आके स्टॉप करेगा, इन सिस्टम सेम पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 kg, 1 kg पानी है, 1 kg प्योर वाटर है और ये लिक्विड है, यहाँ लिक्विड प्लस गैस था 1 kg, और यहाँ लिक्विड यहाँ पे गैस था 1 kg, और टेम्परेचर अब तुम टेम्परेचर कर दो -5 डिग्री, तो -5 डिग्री पे टेम्परेचर वाटर का स्टेट क्या बनेगा, सारा का सारा आइस बनेगा। तो हर केस में तुम अलग अलग चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अगर -5 मेंटेन कर देंगे तो सारा सारा क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा और सारा का अमाउंट सेम बनेगा। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो जो लिक्विड और गैस फेज में जो लेवल है वो हर केस में सेम रहेगा, ठीक है। तो इन तीनों केस का टेम्परेचर और सब कुछ सेम रहेगा, तो हर 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 केस का इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम ही रहेगा। हाँ, उसको अटेंड करने में टाइम अलग लगेगा। जैसे मान ले कि इस पहले वाले केस में अटेंड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन जो सेकेंड वाला केस था उसमें उसमें उस पॉइंट को अटेंड करने में आपको टाइम कम लगा, ठीक है। तो अगर हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर सब कुछ सेम रहेगा तो आपका जो सिस्टम है सेम ही पॉइंट को अचीव करेगा, सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करेगा, बट उस पॉइंट को अचीव करने में आपको टाइम अलग लगेगा, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट आप लिखा हुआ है कि इफ ऑल द वेसल्स आर आइडेंटिकल देन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे आपका कंडेंसेशन और इवेपोरेशन बराबर हो जा रहा है दोनों का रेट, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वाटर लेवल आर सेम इन ऑल वेसल, तो वाटर का लेवल सेम रहेगा सब वेसल में, यानी लिक्विड में और गैस में जो वाटर का पार्टिकल्स का नंबर है वो तीनों के सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज वर्थ नोटिंग दैट टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम कैन बी डिफरेंट इन ऑल केसेस, ठीक है। सेम पॉइंट को अचीव कर रहा है बट उस अचीव करने में जो टाइम लगने वाला है वो अलग अलग हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आपको दिख रहा है तो टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम कैन बी डिफरेंट, ठीक। पॉइंट आता है कि हाउ टू डिफाइन इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाउ टू डिफाइन इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ध्यान देना। तो हाउ टू डिफाइन इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाउ टू डिफाइन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक। तो टू अंडरस्टैंड दिस, इसको हम सीखेंगे यूजिंग इवेपोरेशन प्रोसेस। तो उसमें पहला एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, आपके सामने 3 एग्जाम्पल था ना, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं ना, तीनों एग्जाम्पल को दिखाते हैं। तो इवेपोरेशन प्रोसेस का 3 केस ऊपर पड़े थे, ठीक है। तो पहले केस में क्या था कि आपका पूरा का पूरा वाटर आपका टाइम जीरो पे आपका सारा वाटर किस में था, लिक्विड फेज में था। सारा वाटर किस में था, आपका लिक्विड फेज में था, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, यहाँ पे जब वाटर लिक्विड से वाटर वेपर का इक्विलिब्रियम को हम स्टडी करना है और बोला गया कि टाइम जीरो पे आपका सारा वाटर पार्टिकल किस में है, लिक्विड फेज में है, ठीक है, यानी गैस फेज में जीरो पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे क्यू टर्म डिफाइन करें, यहाँ पे क्यू टर्म डिफाइन करें, क्यू को बोला गया केमिस्ट्री में रिएक्शन कोसेंट, इसको क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्यू का नाम होता है रिएक्शन कोसेंट, ठीक है, क्यू का नाम होता है रिएक्शन कोसेंट, ठीक। क्यू बेसिकली क्या है, तो गैस में जो वाटर पार्टिकल का नंबर होगा डिवाइडेड बाय लिक्विड में जो वाटर पार्टिकल नंबर होगा उसका रेशियो है, ठीक है। तो क्यू बेसिकली एक रेशियो है, यानी नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल इन गैस फेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल इन लिक्विड फेज, ठीक है। और प्लस क्यू टी लिखा हुआ, टी मतलब ये टाइम का फंक्शन है, ये टाइम के साथ चेंज करेगा, ये टाइम के साथ चेंज करेगा, ठीक है। टाइम जीरो पे अगर निकालोगे इसका वैल्यू, तो टाइम जीरो पे मान लेते हैं वाटर का लिक्विड में 100,000 पार्टिकल्स है और गैस में जीरो पार्टिकल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जीरो, यहाँ पे होगा जीरो। तो उसके इसमें क्यू टी क्या होगा, क्यू टी हो जाएगा जीरो, क्यू टी हो जाएगा जीरो,
ठीक है, तो क्यू टी हो गया आपका जीरो। टाइम टी वन लेते हैं, तो टाइम टी वन पे क्या होगा, आपका वाटर लिक्विड, आपका आपका जो होगा वाटर लिक्विड होगा 800 पार्टिकल्स। वाटर लिक्विड में क्या होगा 800 पार्टिकल्स होगा, और वाटर गैस हम लेते हैं तो वाटर गैस में क्या होगा 200 पार्टिकल्स होगा। मान लेते हैं कुछ पार्टिकल कन्वर्ट हो गया, यानी इस पॉइंट पे यानी टाइम टी वन पे क्या है आपका वाटर लिक्विड और वाटर गैस में पार्टिकल नंबर 800 एंड 200 रिस्पेक्टिवली है, तो इस समय क्या होगा रेशियो क्या होगा, क्यों क्या हो जाएगा 1/4, क्यों हो जाएगा 1/4। टाइम टी टू मान लेते हैं तो यहाँ पर 700-300 ओवर मान लेते हैं अभी हो चुका है, तो क्या होगा 3/7 हो चुका है, क्यों का वैल्यू 3/7 हो चुका है। टाइम टी थ्री पे क्या होगा, अगर 655 एंड 355 अगर पार्टिकल्स है इस टाइम लिक्विड एंड गैस में, तो रेशियो होगा 35/65। ठीक, सिमिलरली अब ध्यान देना, टाइम टी फोर पे क्या है सिस्टम है, तो टाइम टी फोर बोला गया कि 620 है लिक्विड फेज में और 380 है गैस फेज में। ठीक, तो उस टाइम क्यू का वैल्यू कितना है, तो क्यू का वैल्यू आपको दिख रहा है 38/62। टाइम टी फाइव पे क्या है, तो टाइम टी फाइव पे 600 और 400 है, इस टाइम रेशियो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं टाइम टी सिक्स पे देखेंगे तो नंबर सेम रह गया, यानी नंबर में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब टाइम टी फाइव के बाद आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है, यानी टाइम टी फाइव के बाद सिस्टम में कोई चेंज हमको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि टाइम टी फाइव इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस सिस्टम का सिस्टम वन का जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा टाइम टी फाइव पे अटेंड करेगा, टाइम टी फाइव को बोलोगे टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इस टाइम पे जो क्यू होगा, क्यू का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 2/3। अब देखो क्यू का जो वैल्यू है, अब देखो फर्दर चेंज नहीं कर रहा, फर्दर चेंज नहीं कर रहा, तो जो क्यू का जो कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर रहा है इसी को बोला गया है कि इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्यू का वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, यानी क्यू क्यू एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को ही बोला गया कि इक्विलिब्रियम, को ही बोला गया है कि इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हो के इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यहाँ पे क्यू को बोला गया है, क्यू को क्या बोला गया है रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्यू को बोला गया है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखोगे आपका जो क्यू था, क्यू हमेशा डिफाइन था, क्यू आप टाइम जीरो पे क्यू को डिफाइन किए थे, टाइम वन पे डिफाइन किए थे, तो क्यू जो है क्यू इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। क्यू बेसिकली एक रेशियो था ना, तो क्यू एक रेशियो था, क्यू रेशियो क्या था, तो वाटर का गैस में कितना पार्टिकल था उस टाइम पे और वाटर का लिक्विड में कितना पार्टिकल्स था उस टाइम पे, उसका रेशियो को हम क्यू बोल रहे थे यहाँ पे। तो क्यू अब उस टाइम पे बस आप नंबर बता दो हम रेशियो बता देंगे आपको, तो क्यू को डिफाइन आप हमेशा कर सकते हो। ठीक है, और वैल्यू ऑफ क्यू एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को ही बोलते हैं हम के, तो के कोई डिफाइन नहीं होता, क्यू ही डिफाइन होता है। ठीक है, यानी सिस्टम का हमेशा क्यू हम डिफाइन करते हैं, और क्यू का वैल्यू चेंज करेगा, और क्यू का वैल्यू जब कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू के जब अचीव कर लेगा, क्यू का वैल्यू जब एक कांस्टेंट पॉइंट को अचीव कर लेगा, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम, यानी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपके सिस्टम का हमेशा क्यू डिफाइन होता है, यानी हम क्यू को निकालते हैं, के को भी नहीं निकालते हैं, के फिक्स पॉइंट है, के फिक्स पॉइंट है। जैसे के को आप सोचो ना कि आप मूव कर रहे हो कहीं पे, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि आप सड़क पर मूव कर रहे हो, तो आपका जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड मूव नहीं कर रहा, आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बस स्टॉप अगर है, तो बस स्टॉप पे आप चले गए, तो बस स्टॉप एक स्टॉप है बस। ठीक है, तो आपका लोकेशन, आपका पोजीशन चेंज हो रहा टाइम के साथ, तो आप जब मूव करो बस स्टॉप पे, तो आपका पोजीशन बस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पोजीशन और बस स्टॉप का पोजीशन सेम हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगले पॉइंट पे जब आगे मूव करोगे, तो आपका बस स्टॉप का वहीं को ही रहेगा, यानी बस स्टॉप कोई वेरिएबल नहीं है, बस स्टॉप एक सिंगल पॉइंट है। आपका वैल्यू किसी टाइम पे उसके बराबर हो सकता है जब आप वहां पहुंच पाओ। सिमिलरली क्यू जो है, क्यू एक क्यू है जो वैरी कर सकता है। ठीक है, और के एक फिक्स पॉइंट है, के में के एक फिक्स पॉइंट है, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो के से कोई मतलब नहीं, रिएक्शन का क्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है, और क्यू का वैल्यू जब इस के पास पहुंचता है, यानी जब कांस्टेंट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि मेरा के इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। इसको ऐसा सोचो ना कि एक वेरिएबल है और टू एक कांस्टेंट है, तो एक्स का वैल्यू वैरी कर सकता है। एक ऐसा पॉइंट होगा जब x का वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि
एक्स का वैल्यू इस पॉइंट पे टू है, वही चीज यहाँ पे कि क्यू वेरिएबल है, क्यू वेरी कर सकता है और क्यू का वैल्यू किसी पॉइंट पे के पास पहुंच सकता है। तो उस जो पॉइंट का पॉइंट उसको कैसे पहचानेंगे, तो जब क्यू का वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाता है हम बोलेंगे कि हाँ एक एक रूम पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो उस पॉइंट पे जो क्यू का वैल्यू होगा उसी को हम बोल देंगे कि उस पॉइंट पे जो क्यू का वैल्यू होगा उसी को बोल देंगे हम के। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशन कॉन्स्टेंट और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को ऐसे आप लिंक कर सकते हो, उसको आप लिंक कर सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना इसको बेटर समझने के लिए, यहाँ पे तीन केस था आपके पास ना, तीन केस क्या था आपके पास, आपका ये इवेपोरेशन प्रोसेस हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसमें तीन केस था आपके पास, तीन केस क्या क्या था बच्चों लोग, तो पहले केस में क्या था कि वाटर लिक्विड से गैस इस, ठीक है, और टाइम तो टाइम जीरो पे क्या था, वाटर लिक्विड में 1000 था, ठीक है, और वाटर गैस में जीरो था। तो ये आपका पहला सिस्टम था इस तरह के साथ का। सेकंड सिस्टम में क्या बोले थे हम, वाटर लिक्विड से गैस ठीक है, और टाइम जीरो पे क्या बोला गया, ये 500 था, ये 500 था, ठीक। तो ये आपका सेकंड सिस्टम था, इसके लिए क्यों क्या निकाल देंगे हम लोग। आपका थर्ड सिस्टम क्या था, वाटर लिक्विड वाटर गैस, और इसमें क्या बोला हुआ था कि आपका टाइम जीरो पे जीरो था और यहाँ पे क्या था, 1000 था। तो आप ध्यान देना, आप ध्यान देना कि टाइम जीरो पे अगर देखते हैं क्यू क्या वैल्यू क्या तीनों सिस्टम में, और तीनों से तीनों इस प्रोसेस में क्या था, टी कांस्टेंट था, क्या था, टी कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू द प्रोसेस। तो पहले टाइम जीरो पे देखो पहले सिस्टम का क्यू क्या जीरो है, ठीक है, टाइम जीरो पे आपका सेकंड सिस्टम का क्यू क्या है, वन है, रेशियो वन है, ठीक है, और थर्ड सिस्टम में रेशियो क्या, इनफाइनाइट है, क्यू बेसिकली रेशियो है, क्यू क्या रेशियो था बच्चे लोग, तो क्यू का मतलब था वाटर का गैस में कितना पार्टिकल होगा डिवाइडेड बाय वाटर लिक्विड में कितना पार्टिकल्स होगा, ठीक है, इस रेशियो को हम क्यू बोल रहे थे, इस रेशियो को क्यू बोल रहे थे। तो ध्यान देना, अब इस तीनों सिस्टम को आप फोकस कर रहे हो तो होता क्या कि टाइम टी वन पे अगर हम सोच रहे टी वन पे, तो टाइम टी वन पे पहले वाले सिस्टम में क्या था कि आपका कंडेंसेशन, आपका कुछ इवेपोरेशन स्टार्ट होगा, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल का नंबर यहाँ हो चुका है 800 एंड 200। तो यहाँ पे इस केस में क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 1/4, क्यू हो जाएगा 1/4, ठीक। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका सिस्टम से कुछ क्या हो रहा है, कुछ गैस लिक्विड में आ रहा है, कुछ गैस लिक्विड में आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 500 550 और यहाँ हो गया 450 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45/55, ये हो जाएगा क्यू का वैल्यू, ठीक। लास्ट वाले केस में हम क्या जूम करेंगे, यहाँ पे लिक्विड में लिक्विड टाइम टी वन पे लिक्विड में आ चुका है मान लेते हैं 300 और यहाँ हो चुका 700। इस केस में आपका क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 10/3। तो यहाँ है ना अल्टीमेटली अगर हम टाइम टी टू पर बात करें तो क्या होगा, टाइम टी टू पर अगर हम जूम कर रहे हैं कि ये वैल्यू अचीव कर रहा है 700 को और यहाँ पे हो रहा है 300, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या होगा, 3/7। यहाँ पे अगर हमें जूम करें ये अचीव कर रहा है 580 और यहाँ हो जा रहा है 480 सॉरी 420,
यार यहाँ क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 42/58 हो चुका है क्यू का वैल्यू। यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 500 हो गया, 500 500, तो इस केस में क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा टाइम टी टू पे। टाइम टी थ्री पे अगर बात करें हम, ठीक है, टाइम टी थ्री पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मान रहे कि ये हो चुका है, ठीक है, और यहाँ हो चुका है 350। इस टाइम पे रेशियो क्या हो जाएगा, 35/65। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे टाइम टी थ्री पे हो चुका है 600 400 हो चुका है, इस टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा कि वो रेशियो हो जाएगा 4/6 या बोल सकते हो 2/3। ठीक, सेम सेम हम देखेंगे अगले केस में। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हो गया, हो चुका है 580, तो क्या हो जाएगा 420। तो यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 42/58। ठीक, सिमिलरली हम बात करें टाइम, ये हो गया टाइम टी फोर पर अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है 620 और यहाँ हो सकता है क्या 380। तो यहाँ पे क्यों क्या हुआ, 38/62 होगा क्यों। टाइम टी फोर में देखो यहाँ पे कोई चेंज, हम क्या बोल रहे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वही का वही मेंटेन है। हम बोल सकते हैं कि टाइम टी थ्री पे आपका जो सिस्टम था, ये सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर चुका है। कौन सिस्टम, सेकंड सिस्टम, यानी इसमें कोई चेंज अब नहीं दिख रहा मेरे को, उसमें कोई चेंज हमको नहीं दिख रहा है, यानी क्यों क्या होगा यहाँ पे 2/3 ही है। ठीक, टाइम टी फोर पे यहाँ पे हो चुका है, ये हो गया, ये भी हो चुका, ये हो गया 600 600/400 हो चुका है, तो यहाँ पे रेशियो 2/3 हो चुका है, ये टाइम टी फोर पे था सिचुएशन। टाइम टी फाइव पे अगर बात करेंगे तो टाइम टी फाइव पे अगर ये हो रहा है 600 400, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेशियो क्या होगा, 4/6 यानी 2/3। ये होगा आपका क्यू का वैल्यू, ये होगा आपका क्यू का वैल्यू। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको बच्चे लोग, कि सिस्टम देखो, तीनों सिस्टम आइडेंटिकल था, बस सबको, सबका पोजिशनिंग अलग अलग था, सबको पोजिशनिंग अलग अलग था, ठीक है, सारे का पोजिशनिंग क्या था, अलग अलग था। तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि सिस्टम देखो, सिस्टम सारा, सारे का क्यू क्या है, सारे जो कॉन्स्टेंट जो क्यू वैल्यू अचीव किया है, सारा का सेम है, ठीक है। हम बताना क्या चाह रहे हैं कि सिस्टम देखो, पाल जो सेकंड सिस्टम है वो टाइम टाइम टी थ्री पे एक रूम अचीव किया, जो आपका थर्ड सिस्टम था वो टाइम टी फोर पे एक रूम को पॉइंट को अचीव किया, और जो आपका जो फर्स्ट सिस्टम था वो टाइम टी फाइव पे अचीव किया एक रूम को, लेकिन सबका जो एक रूम पॉइंट है सबका सेम है, ठीक है। और किसी सेम सिस्टम को, किसी सेम सिस्टम को आप अलग अलग पोजिशन से अगर आप रिलीज करते हो ना, तो एक रूम तो सेम पॉइंट पे अचीव करेगा, एक रूम सेम पॉइंट पे अचीव करेगा, बट टाइम टू अटेन क्लोम डिफरेंट होगा। इसको पैसे, इसको पैसे लिंक कर सकते हो, कि अगर मान लेते हैं कि एक इस तरह का वेसल है, ठीक है, और एक पास तीन बॉल है, इन सेम बॉल को तीन बार ले रहे हैं, तो ये आपका पोजीशन वन है, ये आपका पोजीशन टू है, एक का पोजीशन थ्री है मान लेते हैं। तो ये तीन पोजीशन अलग अलग तुम बॉल को रिलीज करते हो ना, तो बॉल कब रुकेगा, तो यहाँ पे अगर आप एज्यूम करो एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, बॉल रुकेगा तो एनर्जी डिसिपेट होता भी तो रुकेगा ना, एनर्जी कंजर्व कर दोगे तो बॉडी कभी रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, तो अब देखोगे आप सेम बॉल को इन सिमिलर सेम सिस्टम को अलग पॉइंट से रिलीज कर रहे हो, तो सब आके यहीं पर रुकेगा, कहाँ रुकेगा, तो सब आके इसी पॉइंट पर रुकेगा, एंड सबका जो रुकने का पॉइंट यहीं पर, यानी ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है। इन सारा आके अपन, यानी ये जो अलग अलग पॉइंट होता है ये क्यू होता है, ध्यान देना, ये जो अलग अलग पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्यू है, इसको हम क्यू बोलते हैं, और यहाँ पे भी ये पॉइंट क्यू है, और इस जो एक क्यू वैल्यू जो अचीव, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को अचीव कर, इसको हम के बोल देंगे, यानी यहाँ इसको भी क्यू बोलेंगे, और इसको इसको हम के का बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सब बॉल के सेम पॉइंट रुकने वाला है, बट टाइम टू स्टॉप, यानी टाइम टू स्टॉप होगा, टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो हर केस में अलग अलग होगा, वही चीज आपको यहाँ समझाया जा रहा है, वही चीज आपको यहाँ समझा रहा है, ठीक है।
प्लस ध्यान देना, तो ये यहाँ इस डिस्कशन से दो चीज क्लियर हो चुका है कि जो आपका इकोनॉमिक पॉइंट को आपका सिस्टम कॉमन रहेगा, यानी सिस्टम सेम रहेगा तो इकोनॉमिक का पॉइंट सेम रहेगा, यानी सिस्टम सेम पॉइंट पे आके स्टॉप करेगा, यानी सिस्टम सेम पॉइंट पे आके इकोनॉमिक को अटेंड करेगा, पहला पॉइंट, ठीक है, बस समझ में आया। प्लस ध्यान देना, सिस्टम अटेंड सेम कॉमन पॉइंट के इक्विलिब्रियम, ठीक है, डिफर क्या करेगा, टाइम टू अटेंड इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट इन ईच केसेस, तो हर केस में आपको एक रूम पर अटेंड करना डिफरेंट रहेगा। बता ना, इसमें एक और चीज आप लिंक कर सकते हैं, इस चीज को आप तो अगर मान लेते हैं कि इसको अगर बॉल तुम यहां से छोड़ रहे हो, बॉल को तुम यहां से छोड़ रहे हो, ठीक है, तो इसको मानते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी ये मेरे फॉरवर्ड है और कोई बॉल को यहां से छोड़ रहा है, और इसके लिए बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, उसके लिए बैकवर्ड डायरेक्शन है, क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। तुम हम बोले कि आप फॉरवर्ड से छोड़ो या बैकवर्ड छोड़ो, आपका सिस्टम सेम पॉइंट को अचीव करेगा, यानी आप इकोनॉमी को किसी किस स्टेट से स्टार्ट करो मैटर नहीं करता है, आप फॉरवर्ड से स्टार्ट करो, बैकवर्ड से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, आपका सिस्टम सेम सेम पॉइंट को अचीव करेगा, यानी सिस्टम जो है अल्टीमेटली रुकेगा सेम पॉइंट पे। देख, इकोनॉमी को तुम किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो, इकोनॉमी कैन बी अचीव फ्रॉम एनी डायरेक्शन, क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। ये तो चलो ये फिजिकली आपको समझा दिए, केमिकली क्या हुआ था ना, यहाँ तीन सिचुएशन था, पहले वाले केस में क्या किया था, पहले वाले केस में वाटर प्योर लिक्विड से स्टार्ट किए थे, ठीक है, और सेकेंड वाले केस में क्या किए थे, दोनों में इक्वल इक्वल ले लिए थे अमाउंट, और थर्ड वाले केस में वेपर से स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट करके हम सेम पॉइंट को अचीव किए, सेम पॉइंट को अचीव किए, बात समझ में आ रहा है, तो आपका इक्विलिब्रियम को आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे, यानी सिस्टम कहीं से भी स्टार्ट होगा, अगर सिस्टम सेम रहेगा, कंडीशन आइडेंटिकल रहेगा, तो आपका पॉइंट भी सेम रहेगा, यानी आपका इक्विलिब्रियम जो पॉइंट रहेगा सारा सेम पॉइंट को अचीव करेगा, यानी सारा जो क्यू है वो सेम पॉइंट को अचीव करने वाला है, ठीक है, सेम आपका इक्विलिब्रियम को अचीव करने वाला है। पहले वाला केस में देखोगे आपका क्यू इंक्रीज कर रहा है, पहले बार देखोगे तो टाइम के साथ क्या होगा, पहले वाले में क्यू इंक्रीज कर रहा था, और कब तक इंक्रीज किया, जब तक क्यू के बराबर नहीं हो गया, यानी क्यू के पास जाना चाहता था, क्योंकि बिगनिंग में क्यू का वैल्यू जीरो था। सेकंड वाला केस में देखोगे क्यू डिक्रीज कर रहा है, क्यू डिक्रीज किया, और कब तक डिक्रीज किया, जब तक क्यू के बराबर नहीं पहुंच गया। थर्ड वाले केस में क्या है, क्यू शुरू में इन्फाइनाइट है, तो क्यू क्या, क्यू क्यू खुद को कहाँ भेजना चाहता है, क्यू खुद को भेजना चाहता है के पास, क्यू जो क्यू वेरिएबल है और क्यू खुद को रीच करना चाहता है के पास, तो क्यू शुरू में यहाँ पे इन्फाइनाइट था, तो यहाँ भी क्यू क्यू घटा है, क्यू कब तक घटा है, जब तक क्यू के पास ना पहुंच गया है, यानी क्यू क्या होता है, क्यू हमेशा के पास रीच करना चाहता है, तो क्यू का वैल्यू कैसे छोटा होगा, क्यू का वैल्यू कैसे छोटा होगा, तो क्यू बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक के पास पहुंचना जाए, ठीक है, और क्यू का वैल्यू कैसे और बड़ा होगा, ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, क्यू कैसे छोटा था, सेकंड वाले केस में क्या था, क्यू कैसे बड़ा था, और थर्ड वाले केस में क्या, क्यू कैसे बड़ा है, ठीक है, तो जब भी क्यू यानी क्यू चेंज करेगा, के वहीं का वहीं रहेगा, क्यू चेंज करेगा, क्यू कब तक चेंज करेगा, जब तक क्यू के पास रीच ना कर जाए, जब तक क्यू के पास रीच ना कर जाए, ठीक। अब ध्यान देना, किसी भी इक्विलिब्रियम को अब जब केमिस्ट्री में दिखाते हैं, तो इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए
जैसे मान लीजिए आर है रिएक्टेंट और पी है प्रोडक्ट, दिखाने के लिए दो आर ओ दिखाते हैं इस तरीके से। तो ये आपका इक्विलिब्रियम का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से। जो फॉरवर्ड एरो है इसको बोला गया, इसको ये बताता है फॉरवर्ड प्रोसेस के बारे में, और जो बैकवर्ड एरो होती बताता है बैकवर्ड प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो ये रहेगा सारा इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे, इक्विलिब्रियम के बारे में सिंपल जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होना चाहिए था वो बता दिया आपको। ठीक, ध्यान देंगे। तो इसी का यूज करेंगे हम अच्छे से, ठीक है, हर जगह। अब ध्यान देना, अपने इक्विलिब्रियम का कुछ करेक्टरिस्टिक्स होता है उसको भी जानना हमको है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बोला क्या है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है आप किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो। ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं आपको कि ए इस इक्विलिब्रियम को आप किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो, तो अचीव फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ठीक है, बट टाइम रिक्वायर्ड इज डिफरेंट, ये हम बता चुके हैं। सिस्टम अलग अलग पॉइंट पर रहेगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने के लिए अलग टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली सिस्टम सेम पॉइंट पर अचीव करता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए आपका सिस्टम क्लोज कंटेनर होना चाहिए, सिस्टम यानी बंद होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम अगर क्लोज नहीं होगा तो आपका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो अचीव इन ए क्लोज कंटेनर, अगर मान लेते हैं कि आपके सिस्टम से कुछ बाहर अगर निकल सकता है, ये कंडीशन मस्ट कब है, ये कंडीशन मस्ट कब है, दिस कैन मस्ट व्हेन एनी कंपोनेंट ऑफ सिस्टम कैन लीव, ऑफ सिस्टम कैन लीव, यानी इस ये कंडीशन मस्ट कब हम बोलेंगे, जब आपका रिएक्शन यानी सिस्टम का कोई कंपोनेंट अगर उसको लीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई गैस है, तो गैस क्या होता है, बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, आपके सिस्टम में लिक्विड और सॉलिड रहेगा, लिक्विड सॉलिड रहेगा तो लीव नहीं कर सकता है, तो उसमें क्लोज होने का कोई जरूरी नहीं है। एक सेकेंड जो कंडीशन है एसेंशियल मस्ट कब है, जब कोई चीज़ लीव करने के लिए रेडी हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई गैस बन रहा है, जैसे इवेपोरेशन प्रोसेस, वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, और आप क्लोज नहीं रखो तो वाटर का जो गैस पार्टिकल है वो बाहर जाके बाहर निकल के बाहर चला जाएगा, तो जो सिस्टम से बाहर चला जाएगा वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि अगर आपका सिस्टम कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो कि बाहर लीक हो सकता है, उस केस में आप क्या करोगे, सिस्टम को क्लोज रखना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जो कि बाहर लीव नहीं कर सकता, जैसे मान लो कि आपका सिस्टम में सिर्फ लिक्विड सॉलिड है तो उसमें कोई बाहर नहीं जाएगा, तो उस केस में आपका सिस्टम का क्लोज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, उस केस में आपके सिस्टम का क्लोज होना जरूरी नहीं है। ठीक, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि बाहर निकल सकता है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को क्लोज मानते हैं। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम हमेशा अचीव होता है इन क्लोज कंटेनर। अब जब इक्विलिब्रियम अचीव करो तो आपका इस प्रोसेस में टी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी टेम्परेचर में कोई टी शुड बी कांस्टेंट, यानी प्रोसेस का टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा और चेंज होता जाएगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आप अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका जो क्यू होता है, क्यू जो होता है वेरिएबल होता है, बता चुके हैं क्यू वेरिएबल होता है। ठीक है, और के एक फिक्स पॉइंट है, के जो फिक्स पॉइंट, क्यू वेरिएबल, और इक्विलिब्रियम पॉइंट में होता है क्या, क्यू जो वेरी करेगा तो क्यू इक्वल टू के हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे क्यू के बराबर होगा उसको बोलते हैं हम कि आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अब ध्यान रहा, रिएक्शन का के डिफाइन नहीं होता, रिएक्शन का क्यू डिफाइन होता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए हम क्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और क्यू का जो कॉन्स्टेंट वाले उसे हम के बोलते हैं। तो ऐसा लिख सकते हो, फॉर एनी रिएक्शन वी डिफाइन क्यू एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ क्यू
और क्यू को हम बोलते हैं के, जो कि अचीव करता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे। तो क्यू जो कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर रहा है उसको हम के बोलते हैं, ठीक है। तो ये था इक्विलिब्रियम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हो आपको समझ में आ गया। अब ध्यान देना, आपको आपको ये जानना है कि आपका इक्विलिब्रियम कब अचीव नहीं होगा। तो ध्यान देना, इक्विलिब्रियम कब अचीव नहीं होता, यहाँ लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड। तो नेवर अचीव कब होगा जी, इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड व्हेन कंपोनेंट, व्हेन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम और रिएक्शन इज लिविंग, इज लिविंग इट। जब आपका रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो उसको लीव कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको लीव कर रहा है। ये कब करेगा, ये कब करेगा, जब आपके पास कम से कम एक गैस हो, ठीक है। तो कब होगा, व्हेन व्हेन एट लीस्ट वन कंपोनेंट इज गैस। तो जब कंपोनेंट सिस्टम को लीव करेगा, पॉसिबल कब है, जब आपका सिस्टम में एक गैस होगा, एटलीस्ट एक गैस होना चाहिए, और आपका सिस्टम ओपन, आपका सिस्टम ओपन होना चाहिए, ठीक है, आपका सिस्टम ओपन ओपन होना चाहिए। तो सिस्टम ओपन रहेगा और आपके सिस्टम में कम से कम एक गैस रहेगा, उस केस में क्या होगा, गैस बाहर निकल सकता है, उस केस में आपका इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होगा, उस केस में आपका इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होता है, उस केस में इक्विलिब्रियम कभी आपका अचीव नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है क्योंकि इसका एग्जांपल भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लाइमस्टोन को ब्रेक करो, आप लाइमस्टोन को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। तो लाइमस्टोन को तोड़ रहे हैं, हीट कर रहे हैं हम कहाँ पे, लाइम किल में, लाइम किल में। तो लाइम किल एक ओपन सिस्टम होता है, लाइम किल एक ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लाइम के लिए ओपन सिस्टम होगा, तो वहाँ पे हीटिंग करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से ब्रेक करता है CO प्लस CO2 में। तो यहाँ CO देखोगे, लाइम का ब्रेकेज जो लिख रहे हैं इक्वेशन, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा प्लस CO2 बनेगा, और CO2 क्या होता है, गैस होता है। तो लाइम किल में इसको परफॉर्म करेंगे, तो लाइम किल चूंकि ओपन वेसल है, तो उसमें CO2 गैस बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा मतलब कंपोनेंट सिस्टम से बाहर चला गया। तो ये इक्वेशन कभी भी इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, यानी सिस्टम है, नॉट अचीव इक्विलिब्रियम कब, इन लाइम किल, नॉट अचीव इक्विलिब्रियम, सिस्टम आगे बढ़ता चला जाएगा, पीछे बैकवर्ड आएगा ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सिस्टम का जो CO2 है वो बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकल रहा है, ठीक। तो बच्चों लोग, आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो ये सारा फंडामेंटल है जिसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला अगला पॉइंट क्या है कि इक्विलिब्रियम फर्दर कब अचीव नहीं होगा। तो इसमें एग्जांपल और याद रखना आप, कि जब भी आपका सिस्टम में पीपीटी फॉर्म करता है, पीपीटी, तो पीपीटी का मतलब क्या होता है जी, जैसे पानी, यानी आप मान लेते हैं कि आप सॉल्यूशन बना रहे हो, आपको सॉल्यूशन बना रहे हो, तो सॉल्यूशन का अपना एक फेज होता है, एक फेज होता है। अभी सॉल्यूशन में कुछ पार्ट जो नीचे बैठ गया है, नीचे बैठ गया, अलग से हट गया है, तो पीपीटी को हम बोलते हैं पीपीटी, पीपीटी बाहर नहीं गया, लेकिन पीपीटी अपने फेज से बाहर जा चुका है। पीपीटी जो होता है, पीपीटी बनने का मतलब है कि होता है कि अपने सिस्टम से बाहर चला गया, नीचे बैठ गया मतलब बाहर चला गया। एक्वस फेज है ना, मान लो नमक तुम डाले पानी में, तो नमक घुल गया पानी में, तो नमक एक्वस फेज में घुल चुका है। कुछ पीपीटी बन जाए मतलब पानी के फेज से बाहर नीचे बैठ गया, मतलब उसको बोलते हैं फेज से बाहर चला गया, यानी सिस्टम से बाहर चला गया, ठीक है। तो यही वहाँ, यानी वो उस सिस्टम को लीव कर चुका है। तो पीपीटी जो फॉर्म करता है, तो पीपीटी लीव द सिस्टम, लीव द सिस्टम। तो पीपीटी फॉर्मेशन मतलब जो जो पक्का प्रेसिपिटेट बना है, जो का पीपीटी फॉर्म किया है, वो सिस्टम को लीव करता है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में अगर पीपीटी फॉर्म करेगा, ठीक है, और उसमें मान लेते हैं कि गैस नहीं भी हो, गैस नहीं भी हो, ठीक,
तो गैस नहीं भी हो तब भी क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करेगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जहां पे पीपीटी फॉर्म अगर कर रहा है, जहां पे पीपीटी फॉर्म कर रहा है किसी भी रिएक्शन में अगर, तो सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी क्या है कि सिस्टम से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो पीपीटी का एग्जाम्पल अगर सामने होता है, AgCl PPT होता है, AgBr PPT होता है, AgI PPT होता है, बैरियम सल्फर का PPT होता है, लेड सल्फर का PPT होता है, तो किसी भी रिएक्शन में अगर PPT फॉर्मेशन आपको दिख रहा है ना, तो बोलोगे ये सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर पाएगा। क्यों? कि PPT फॉर्म करने मतलब सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो ये इससे क्वेश्चन आने का हाई चांस होता है। क्वेश्चन ऑलरेडी JEE एडवांस में आ चुका है, ठीक है। तो तीन चार रिएक्शन दिया हुआ था, बोला कि कौन सा रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर पाएगा। तो दिमाग में ध्यान देना कि अगर आपका वेसल ओपन होगा और सिस्टम में गैस होगा तो अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी आपके सिस्टम में कोई गैस है और सिस्टम ओपन है तो अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक। बाकी अगर लिक्विड सॉलिड रहेगा, उस केस में वेसल का ओपन होने से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे नमक को घोल रहे पानी में, तो नमक एक सॉलिड पार्टिकल्स है, पानी एक लिक्विड पार्टिकल्स है, ठीक है। तो उसको ओपन होने से कोई मतलब नहीं है, उसको ओपन होने से कोई मतलब नहीं है, उसमें क्लियर अचीव होगा, ठीक है, उसमें क्लियर अचीव होगा। तो ओपन होने का जो कंडीशन है, यानी ओपन नहीं होने का, यानी क्लोज वेसल होने का कंडीशन कब होता है, जब आपका सिस्टम में गैस होता है, उसके इसमें सिस्टम क्लोज होना कंपल्सरी है, ठीक है। अगर सिस्टम में गैस नहीं है तो आपका ओपन होने से चलेगा। ध्यान ना, अगर पीपीटी फॉर्म कर रहा है, तो पीपीटी का भी जो फेज होता है वो सॉल्यूशन के फेज से बाहर होता है, यानी सिस्टम को लीव कर रहा है, बाहर नहीं लीव कर रहा है लेकिन अंदर ही लीव कर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि पीपीटी फॉर्मेशन का मतलब आपका सिस्टम को लीव कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां पीपीटी बनेगा, जहां जहां पीपीटी फॉर्म करेगा, वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। पीपीटी लीव द सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम नेवर अचीव्ड। इस पे क्वेश्चन आपसे आ सकता है, इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आज का जो क्लास था फंडामेंटल क्लास था, इसका यूज बहुत ज्यादा पड़ेगा फ्यूचर में, इस हम लिंक करेंगे बहुत ज्यादा चीजों को। तो आज के क्लास में ज्यादा कुछ हम कवर नहीं किया, लेकिन बहुत फंडामेंटल चीज को कवर कर चुके हैं, इसका यूज आए क्लास में ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे। चलो, कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, किसी डाउट बचे आप लोग को। नो सर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम का जो पहले वाला जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम था वो थोड़ा बोल लेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, चलो देख लेते हैं हम बेसिक पर। देखो, स्टैटिक का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो कि आपका एक वॉल खड़ा है, वॉल वॉल पे फोर्स लगा रहे लेकिन वॉल रुका हुआ है। तो वॉल रुका हुआ तो क्या, वॉल का पूरा वॉल एज ए सिस्टम की तरफ रुका हुआ है, लेकिन वॉल के अंदर का एटम भी क्या हुआ, स्टॉप किया हुआ है। जब हम रिजिड बॉडी का बात करते हैं फिजिक्स में ना, तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा पूरा सिस्टम का जो पूरा सिस्टम एक सॉलिड जो है एटम से बना होता है। तो अंदर में एटम्स का जो जो पार्टिकल्स का उसका जो अरेंजमेंट है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी पार्टिकल एज ए होल तो रुका हुआ है, साथ में क्या है पार्टिकल के एटम का जो पोजीशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी पार्टिकल का जो, यानी आपका सिस्टम का जो पार्टिकल्स जिससे बना हुआ है वो पार्टिकल भी स्टैटिक है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो फिजिक्स में जितना भी आप इक्विलिब्रियम स्टडी करते हो ना, उस सारे को हमें स्टैटिक में अंदर डाला हुआ है, कि फिजिक्स वाले इक्विलिब्रियम में हम लोग रिजिड बॉडी पढ़ते हैं। तो रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स के अंदर का जो एटम से वो भी क्या है, रुका हुआ है। तो पार्टिकल अगर रुकेगा, पार्टिकल स्टॉप करेगा, तो अगर मतलब सिस्टम स्टॉप करेगा तो उसका जो पार्टिकल्स है वो भी स्टॉप करेगा। ऐसा नहीं कि सिस्टम रुक गया, पार्टिकल्स घूम पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक हो? क्लियर बच्चा? यस सर, ठीक है, चलो।